इन्होंने नहीं लड़कर सिर्फ ना सिर्फ अपने शहरों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों के लिए जहर बन चुके हैं लोग। जब आपको फैसला पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं। वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की जो है हमारे संविधान की या दस्तूर की दफा 137 के तहत आप कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 132 के तहत भी जो है आपको मिलता है कि कोई भी आदमी किसी हिसाब मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। तो अभी हमारे पास दो रास्ते बचते हैं इसके बावजूद और मत तब्दीली नब खाली कमेटी के पास अभी भी के बल्कि तीन रास्ते इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसा हम उसको करेंगे। अरे रहमा साहब, क्योंकि औरंगाबाद मामले के दोनों पिटिशनों का क्या हल हुआ ये सबने देखा है, क्या इस मामले में उस्मानाबाद की सबसे पहले पिटिशन वहां दाखिल हुई और उस्मानाबाद के केस में जो हुआ क्या ये उसका ही नतीजा है ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सही है कि ये सारे असरात जो भी हुए हैं या जो भी बातें आई है सामने अदलिया की जानिब से हो या हारून की, ये सब उस्मानाबाद की मसूद साहब की पिटिशन का ही नतीजा है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि मैंने इससे पहले भी आपसे बताया था कि खाजी रशीद साहब आए थे और बाद में उस्मानाबाद का नाम 98 हम लोगों ने लतीफ साहब ने लड़के को वापस स्टे लिया था। इसमें मैंने ये भी कहा था कि सतीश तड़ेकर जो है तो उनके कहने पर हमने उनका ऐड किया था एज असिस्टेंट एम लतीफ के। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि मसूद साहब ने तड़ेकर को ही लगाया और तड़ेकर साहब, मैं एक बार और बता देता हूँ कि जब ये 2022 में ये मामला जब आया था तो तड़ेकर साहब ने मुझको कई बार फोन किए लेकिन मैंने उनका फोन नहीं उठाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने तकी भाई को फोन किया, तकी भाई ने मुझसे कहा कि भाई खाले भाई ये जो तड़ेकर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ बात नहीं करना चाहता उनसे। फिर रशीद मामू साहब का भी फोन आया था कि खाले भाई उनसे बात कर लो ना, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो फिर उनके दोनों इतराज जो है मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बड़े लोग हैं, उनके उनकी दरख्वास्त पर या उनकी उनके हुक्म पर मैंने जो है तो इनसे बात की तड़ेकर साहब से। तड़ेकर साहब का ये कहना ने कहा कि उन्होंने मुझसे कि भाई आप जो औरबाद में पिटिशन दाखिल करने वाले हैं आपकी कमेटी की तरफ से वो औरबाद में दाखिल ना कर कर आप जो है तो बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कीजिए। तो मैं बोला क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हम लोग दाखिल कर दिए, वहां दाखिल करना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों दाखिल करना चाहिए जबकि ये ज्यूडिशन और हाई कोर्ट को है, आप गलत गए, आपको दाखिल नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने मुझसे कहा है बहुत ही उसमें कि आपने पहले भी ऐसे किए थे 95 के अंदर, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था। देखो भले मैंने 98 के अंदर मेरे और बात का नाम क्या मैंने पिटिशन और बाद हाईकोर्ट से ले लिया था, बोले तुम लोग गलत करते थे पहले। तो मैंने उनको बताया कि तड़ेकर साहब आप शायद होश में है क्या नहीं। 1998 में खाजी रशीद साहब हमारे पास आए थे तब्दीली मुखालिफ कमेटी के पास, हम उन लोगों की मीटिंग हुई, हम लोगों ने खाना खाया, उसमें लतीफ साहब को वकील रखा गया, वकील साहब ने पिटिशन बनाई और फिर एक में उसमें कहा गया कि हमारे जो गांव के वकील है मिस्टर तड़ेकर उनको ऐड कर लो। तो आपको एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया था, आप कहाँ थे? पिटिशन बनाई लतीफ साहब ने, लड़ा लतीफ साहब ने वॉर्मर हाईकोर्ट में, स्टे उन्होंने लिया और आप क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं। तो फिर उन्हें ठीक है बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप, तो मैंने बात को टाल दिया। तो मैंने देखिए हमको और बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे मिला था उसी की बुनियाद पर और बाद हाई कोर्ट ने हमको स्टे दे दिया था उस्मानाबाद का 98 में। फिर उसने मुझके कहा कि हम आप दाखिल कीजिए औरंगाबाद बॉम्बे हाईकोर्ट में, आपको फ्लाइट का आने जाने का टिकट, आपको पूरा फाइव स्टार अकोमोडेशन दूंगा मैं आपको, वकालत के वकील साहब के सारे चार्जेस जो है वो हम बेयर करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है उनकी फोन पर, मैंने उनसे कहा था कि आपको नींद में है क्या वकील साहब, आप किससे बात कर रहे हैं, आप होश में है क्या, आप मुझको लालच दे रहे हैं। फिर मैंने उनको बहुत डांटा था और ये हालत है कि भाई सब सवाल ही उठता है कि
ये तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो मुझको ले आने की क्या जरूरत महसूस हुई थी? क्या कारण था कि ये सबसे बॉम्बे हाईकोर्ट जा रहे थे? उसके बाद और एक मामला हुआ था जो मैंने बताया नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि मुश्ताक साहब गए, उनके जो फिर एक मुझको एक सिद्दीक साहब की तरफ से मैसेज मिला, सिद्दीक मोतीवाला के साहब की तरफ से, कि आपके आके मिलो, आके मिलो। तो फिर मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसके बाद इलियास किरमानी ने मुझसे कहा था, हम लोग इलियास किरमानी, मैं, हसन पटेल पारस प्रेस, रफीक अहमद, शफीक अहमद, जलील भाई शेख जलील और सुहेल जकीउद्दीन और हमारी कमेटी के और जो लोग थे वो सब गए थे। वहां पर वही बात चल रही थी कि कोई पिटीशन दाखिल मत करो, एक पिटीशन से ज्यादा पिटीशन मत दाखिल करो और बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल करो, हम आप यहां मत दाखिल करो। तो मतलब ये बात ये थी कि पहले से ही कोशिश ये की जा रही थी कि औरंगाबाद की एक पिटीशन दाखिल हो और उस्मानाबाद की भी एक पिटीशन दाखिल हो, जबकि हालत ये है कि अगर आप एक पिटीशन, मैंने इसे भी कहा था कि अगर कोर्ट में कई पिटीशन दाखिल होती है तो कोर्ट उतने पिटीशन को टाइम मिलता है, उनके उतने वकीलों को कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलता है, कोर्ट उतना सुनती है और फिर कोई फैसला करती है। और कोर्ट पर एक तरह से जब एक आदमी आता है तो कोर्ट लगता है कि एक आदमी का मसला है, लेकिन जब कई लोग आते हैं तो कोर्ट समझती नहीं है आवाम का मसला है, तो फिर क्यों रोका जा रहा था उस वक्त, ये एक मसला है। अब रही बात कि उसके बाद तड़ेकर साहब प्रैक्टिस करते रहे यहाँ पर, फिर एक दौर ऐसा भी आया कि उनके जितने यहाँ की जो बॉम्बे हाईकोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जजेस थे तो उनसे इतने आजीज आ चुके थे कि उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि नॉट बिफोर मी तड़ेकर को, यानी मेरे सामने आप हाजिर नहीं होना आपको। तो नतीजतन फिर यह हुआ कि तड़ेकर साहब को बॉम्बे जाना पड़ा और बॉम्बे जाकर प्रैक्टिस शुरू करे उन्होंने। तो ये बात यह है कि भाई वो आदमी है जो जजेस को आजीज, जिससे जैसे आजीज आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उस आदमी को ही उन्होंने क्यों वकील मुकर्रर किया? और अगर वकील मुकर्रर कर दिया तो ठीक है, और बात हाईकोर्ट में तो आप, बॉम्बे हाईकोर्ट में तो आप जीत गए, हार गए, लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट में आप हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जब गए थे मसूद साहब, तो लिमिटेशन तो भी बाकी थी, जैसे कि जब जो भी फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में जब फैसला होता है, आपको फैसला माननीय नहीं है और आप मानते नहीं उसको, और फैसला आपको पसंद नहीं है, तो आप जो है तो उसकी अपील बड़ी कोर्ट में करते हैं, ऊपरी कोर्ट में करते हैं, अपीलेट कोर्ट जिसको कहा जाता है, वो चाहे निचली कोर्ट से लेके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें या सेशन कोर्ट में करें, या सेशन कोर्ट को चैलेंज आप हाई कोर्ट में करें या हाई कोर्ट को चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट में करें, तो ये एक सिस्टम है कि अगर आपको फैसले पसंद नहीं है तो आप उसको अपील में जा सकते हैं। तो अपील में जब गए थे तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लगाते ना, सीनियर काउंसिल, फिर उन्होंने वही तड़ेकर को रखा। और हैरतअंगेज बात ये थी, हाँ, और हैरतअंगेज बात ये थी कि लिमिटेशन का बाकी था, जैसा कि लिमिट होती है कि आप अपील दाखिल करने की 30 दिन, 90 दिन की मोहलत होती है 3 महीने की, इन्होंने पहले ही चले गए और 90 दिन के पहले इन्होंने सब करा के खारिज भी करवा दिए, तो भाई क्या जल्दी थी इनको महसूस साहब को। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि हैरतअंगेज बात तो ये है कि मिस्टर मसूद जो और उस्मानाबाद के नाम के लिए लड़ रहे थे, अगर वो इतने ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट में बनफसे नफीस मौजूद होते अपनी हियरिंग इंडियन पर, ना सिर्फ अपने हियरिंग पर मौजूद होते बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल लगाते हो। उन्होंने ऐसा कुछ ही नहीं किया, एक पिटीशन फाइल कर दी और तड़ेकर साहब और वो मिस्टर मसूद बंबई में बैठे हुए अपने इसमें, और उन्होंने कहा कि हियरिंग के वक्त में जो है तो हमारी आवाज ना उनको सुनाई दे रही थी, जजेस को ऑनलाइन गए थे, ये क्या जरूरत थी भाई? इतना मामला संगीन है और शहर का मामला है, इतना बड़ा खतरनाक मामला है, ये दिल्ली क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे, ये लोग क्यों बैठ के बंबई में बैठकर ही जो है ये लोग जो है तो ऑनलाइन जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इन्होंने खुद ही ने कहा कि जजेस हमारी बात सुन रहे थे नहीं, हमारे को सुनाई नहीं दे रही थी, हमारी बात जजेस को सुनाई नहीं दे रही थी, जजेस को हम दिखाई नहीं दे रहे थे, जजेस को हम वो हमको नहीं देख पा रहे थे। तो इस तरह क्या, इस तरह केस लड़े जाते हैं क्या?
मतलब उस्मानाबाद वाले भी फिजिकली वहां मौजूद नहीं थे। ये उस्मानाबाद वाले ही थे जिनकी, अब फिर बाद में जब कोर्ट जो आपकी बात को सुनने के लिए बैठा है और आपको आप हाजिर ही नहीं हो रहे हैं, या आप कल इस तरह से गलते आप गैर जिम्मेदारी का आपने, आपको कोर्ट में मौजूद ही नहीं है जब कोर्ट सामने बैठा हुआ है, कोर्ट का सारा सेटअप सामने लगा हुआ है, कोर्ट आपको सुनने के लिए बैठी हुई है और आप सुनने सुनाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर कोर्ट के पास क्या बच जाता रास्ता, वो डिसमिस ही करेगा। और वही हुआ, कोर्ट ने मसूद को डिसमिस कर दिया। अब देखिए इसमें रास्ते कैसे बंद हो रहे हैं, दरवाजे कैसे बंद करते हैं। पहले जो है तो मुश्ताक सुप्रीम कोर्ट गए, बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन चलते चलते 23 मार्च की डेट में थी, कोर्ट ने उनको उठा के बाहर कर दिया। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी कपिल सिब्बल को लगाए, लेकिन कपिल सिब्बल हाजिर ही नहीं हुए, उनके वकील अयूब जो फजूल फजैल अयूबी थे। मतलब किस तरह ये वरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, किस तरह कहते बदमाशियां हो रही है। इन्होंने कहा शब्द, इन्होंने मुश्ताक ने कहा था कि, बल्कि तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पे की थी कि हमने कपिल कुमार सिब्बल को लगा लिया, और सारे समाचार सारे फेसबुक पर सब सारे सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ चुकी थी, न्यूज आ चुकी थी, इन्होंने मीडिया को बयान दे चुके थे कि हम लोग लगा दिए। हद तो यह है कि मुनवन काउंसिल के सलीम सिद्दीकी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि हमने कपिल कुमार सिब्बल को लगाया, लेकिन उस दिन कपिल कुमार सिब्बल पहुंचे ही नहीं कोर्ट। अरे कपिल कुमार सिब्बल तो छोड़िए, मुश्ताक साहब को जो कोर्ट दिल्ली में रह के उस दिन कोर्ट को नहीं पहुंचे। ये सुप्रीम कोर्ट जाते ही क्यों है अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होना इनको कोर्ट हॉल में? तो ये जो इसी तरह मसूद ने जो है, जब उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना था तो भाई तुम बम्बे में बैठना था, बम्बे में तुम कर चुके थे, तुम गए क्यों सुप्रीम कोर्ट को? तुमको नहीं लड़ना था, तुमको सीनियर काउंसिल लगाना नहीं था तुमको। तो ये मसूद की पिटीशन का जो हाल हुआ, हशर हुआ, उसका असर जो है तो इधर मुश्ताक की पिटीशन पर पड़ा। अब मुश्ताक मियां जो है, अब देखिए मसूद साहब के बाद में सेकंड पिटिशनर जो है, और मतलब मैं एक बीच में टूटता हूँ, उस्मानाबाद और ये औरंगाबाद का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ ऐसा आप मानते हैं, क्योंकि मसूद साहब ने भी जो नहीं हाजिर हुए वहां नहीं गए, वही सेम मुश्ताक अहमद ने भी किए, हाँ उनके वकीलों ने भी किए, तो ये एक दूसरे से जुड़ा। नहीं, इसमें क्या है कि जुड़ा हुआ तो है ना भाई, दोनों एनसीपी के तो है ना, अच्छा जुड़ा हुआ तो है, ठीक है। प्रॉब्लम कैसा है कि आप जो है तो जब सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल की है, मसूद हो या मुश्ताक हो, तो सुप्रीम कोर्ट में आप और आपके वकील मौजूद थे क्यों नहीं, सवाल ये उठता है। इसके बाद जो है सेकंड पिटीशनर जिसने पिटीशन फाइल की थी वो हिशाम उस्मानी थे, लेकिन उन्होंने उसको लिमिटेशन में डाल दिए थे, लिमिटेशन जो कि जो रही थी 3 महीने की, और उनका भी ऑब्जेक्शन रिमूव होना था, वो कई मामले होने वाले थे, उन्होंने ऐलान भी कर दिया और उन कई लोगों को बताया, लतीफ साहब से मिले, सबसे सबको बताया, बताकर उन्होंने सब लोगों को बताकर कहा मैंने पिटीशन फाइल की, पिटीशन कॉपी है, देख लो इसमें कुछ करेक्शन है तो बता दो, तो सारी तैयारी करके गए थे। जबकि मुश्ताक तो ये कह रहा था कि भाई हमने दाखिल करने वाले इतनी, हम जाने वाले इतनी है, और फिर एकदम चुपके से क्यों चला गया भाई आदमी, इसमें किसी क्या साजिश है? और एक हर तंग इस बात बता देता हूं मैं आपको कि 8 मई को इनका फैसला हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट का, 8 मई को जब फैसला हुआ तो 3 महीने की लिमिटेशन है आपके पास, 8 मई के बाद दूसरा महीना आता है 8 जून, 8 जुलाई और 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त को तक आप पिटीशन फाइल कर सकते थे, अपने अपील दाखिल कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन रिमूव का मामला आता, उसमें आप टाइम लगा सकते थे, वो कर सकते थे, फिर उसके बाद बोर्ड पे जाता था। लेकिन हैरतअंगेज बात ये थी कि 8 अगस्त की लिमिटेशन खत्म हुई और 9 अगस्त को मैटर सुप्रीम कोर्ट में था मुश्ताक का, इतना जल्दी और इतनी जल्दी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तुम मरे क्यों नहीं? तो और वकील क्या कर रहा था, इन्होंने सीनियर काउंसिल लगाया क्यों नहीं? बिना सीनियर काउंसिल के, बिना वकील के जो है, जो इनका जब 9 अगस्त को जब मैटर चला तो उस वक्त जो कोर्ट में जो उनकी जूनियर पहुंची हुजूर अयूबी की, और उसने दरख्वास्त दी कि मुझको जो है तो मेरा वकील जो है तो बीमार है, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या बीमारी है, तो कहा स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो कोर्ट ने कहा तो नौजवान आदमी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, आ सकते थे कोर्ट को? अच्छा ठीक है भाई, ऑनलाइन आ जाते आप। फिर कोर्ट ने शायद ये भी मिसाल दी
आशुतोष गवारीकर की लगान फिल्म के मामले में कि जो आशुतोष गवारीकर बीमार थे और लगान की फिल्म चल रही, शूटिंग चल रही थी, तो वो बेचारे बीमारी की हालत में वो सेट पर पहुंचते थे और वो डायरेक्शन देते थे। तो कोर्ट ने कहा कि वो अपनी फिल्म के लिए इतना कर सकते, तो आपका इतना संगीन मामले में आपने पिटीशन फाइल किए, आपका इतना बड़ा मामला है, आप क्यों नहीं हाजिर हुए? ठीक है, ऑनलाइन आ जाते आप, ऑनलाइन क्यों नहीं आए? इसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा उस वकील से, जूनियर से, कि हम आपको और 10 मिनट देते हैं, लाओ आपके वकील को ऑनलाइन। आपको मालूम है 10 मिनट सुप्रीम कोर्ट के किसको कहते हैं? दो दो तीन तीन मिनटों में केसेस खत्म होते हैं वहां पर, पर एक वकील के इंतजार में सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट दे रही है। और फिर इसके बाद कोई ये कहे उसका पिटीशन ना ही मौजूद नहीं है, खुद मुश्ताक मौजूद नहीं है वहां पर, उनका वकील मौजूद नहीं है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है मुसफूजुल फुजूल फुजैल अय्यूबी वो मौजूद नहीं है, कपिल कुमार सिब्बल की तो बात ही नहीं है। जब ये सब मौजूद नहीं है और इसके बाद फिर कोर्ट पे कहा जाए कोर्ट ने हमसे हमारे साथ नाइंसाफी की, तो कहां तक सही है? मैं तो समय कहता हूं अपनी जगह सही कोर्ट ने, बल्कि ये है कोर्ट में उस जो जज थे रॉय साहब, वो कहा सुना जाता है उनके बारे में कि वो अभी सबसे अच्छे जज है सुप्रीम कोर्ट में। अगर अच्छे जज नहीं होते तो आपकी पिटिशन को लात मार के बाहर पहले बाहर कर देते थे। उनको ने सुना, उन्होंने आर्ग्यू किया कि देखो ये है आपके वकील को ऐसा ना चाहिए था, उन्होंने हवाले दिए। उन्होंने ये जो हालात है ये बहुत खतरनाक हालात है, ये हालात ऐसे हैं कि हमको, हम ये कह रहे हैं कि हम गलत माइंसाफ भी, अरे आपने कोर्ट को कुछ कहा ही नहीं, आप कोर्ट में आपके वकील के थ्रू अपियर ही नहीं हुए, मतलब जैसा उस्मानाबाद वालों ने किए इन्होंने भी सेम वही हुआ। क्या वजह है ये, क्या करना चाहते ये लोग, क्यों गए थे ये? तो उस्मानाबाद वाले तो भी ऑनलाइन आए थे, हाँ, तो भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, ये लोग तो ऑनलाइन भी नहीं गए, नहीं घर में बैठे थे, कमाल है ना। और दूसरी बात है कि 9-8 अगस्त को आपकी लिमिटेशन खत्म होती, 9 अगस्त को खड़े हो गए, आपकी तैयारी नहीं थी, आपके वकील नहीं था, तो आप 9 को गए क्यों? चलो और एक बात है कि अब ये उस्मानाबाद और मुश्ताक अहमद की पिटीशन का ही असर ईशा उस्मानी की पिटीशन पे भी। हाँ देखिए, पिटीशन ईशा उस्मानाबाद की नहीं, असरात कहां से शुरू हुए? असरात शुरू हुए जब मुश्ताक ने 23 मार्च को जो दाखिल सुप्रीम कोर्ट में गया था स्टे हासिल करने के लिए, वहां उनका वकील नहीं हाजिर हुआ कपिल सिब्बल, तो दरवाजा वहां से बंद करना शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट का। कपिल सिब्बल करे थे या उन्होंने? उस वक्त उनका बोलना था, तस्वीर में आगे थे ना वो, तो लुधियाना ने भी देखा हो, सोशल मीडिया पे आ गई थी तस्वीरें सब, के हमने रख लिए। तो सलीम सिद्दीकी ने कहा कि हमने कहा सब कपिल कुमार सिब्बल को लगा दिया, नुमाइंदा काउंसिल के सदर ने कहा, स्टेटमेंट दिया था ये, तो है ना। फिर उसके बाद जो है ये वहां पहुंचे नहीं, तो दरवाजा वहां से बंद होना शुरू हुआ, कहां से? बल्कि मुझको तो हैरत अंगेज बात यह है कि मुझको जियाउद्दीन सिद्दीकी जो मेरे दोस्त थे, बल्कि दोस्त भी नहीं है बल्कि हमारी कमेटी के पूरा मेंबर भी हैं पुराने पचनों के, और अभी बीच में एक मीटिंग के मध्य मैंने उनको बुलाया था, तो जियाउद्दीन ने मुझको खुद बताया कि मुश्ताक साहब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ही गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि भाई हमको स्टे दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका रिमेडी है हाई कोर्ट, पहले वहां से आइए, मतलब पहले दरवाजा उन्होंने शुरू में सुप्रीम कोर्ट पहुंच के पहला दरवाजा पहले उन्होंने वहीं बंद करी थी। उन्होंने आपको क्या जरूरत थी जाने की? आपका रिमेडी है, आप हाईकोर्ट से जैसा पश्चिम में गए थे वैसे जाना चाहिए था, वहां से दरवाजा पहला बंद हुआ, फिर दूसरा दरवाजा जो है तो खुद 30 मार्च को मुश्ताक ने जब पिटीशन की और बॉम्बे हाईकोर्ट में रहकर भी और पिटीशन फाइल की थी, वहां पे वो उनका अकाला गया कोर्ट से, दूसरा दरवाजा वहां बंद हुआ, फिर उसके बाद हश्याम साहब की पिटीशन भी निकलते वहां पे रिजेक्ट हुई, तीसरा दरवाजा वो बंद हुआ। हश्याम साहब की बात करते हैं, उन्होंने रिजेक्ट होने के बाद कहा है कि ये सीपी नहीं, ये अभी इससे पहले 2000 अभी दरवाजे जो बंद हो रहे सुप्रीम कोर्ट की उसकी बात चल रही। अच्छा, तो 2023 में मुश्ताक साहब भी गए थे और हश्याम साहब भी गए थे, तो हिशाम साहब को इनकी भी हेयरिंग होने की वजह से हिशाम साहब की भी हेयरिंग करते वही चीज हो गई, क्योंकि जब कोई फैसला हो जाता है तो वो सिविल मैटर में दूसरा फैसला नहीं हो सकता, तो हिशाम साहब को स्टे भी नहीं मिला, इनको नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, दरवाजे बंद हो गए। इसके बाद अब ये मामले के अंदर उस्मानाबाद की पिटीशन दरवाजा बंद, मुश्ताक की पिटीशन दरवाजा बंद, अब ये सारे दरवाजे जो बंद हुए थे इसका असर जाहिर सी बात है कि मुश्ताक साहब हिशाम साहब की पिटीशन पर पड़ना ही पड़ना था। इन्होंने तो बड़ी तैयारी के साथ गए, इन्होंने ने कपिल कुमार सिब्बल से बात की, लेकिन कपिल कुमार सिब्बल ने इसको इनकार कर दिया मैटर लेने से, ये कहकर कि
चूंकि मामला थोड़ा वो हो गया, संगीन हो गया है और कोर्ट का रुख अलग है और कोर्ट इसमें फैसले कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने मुनासिब नहीं समझाना। तो इन्होंने फिर जो है कई वकला से बात की, आखिर में दुष्यंत दवे साहब से एडवोकेट उनसे बात हुई, जो कि पिछले कपिल कुमार सिब्बल से पहले वो बार काउंसिल के सदर थे, वो छोटे मोटे जज नहीं, बड़े बड़े लॉयर हैं वो भी, उनको लगाया और उन्होंने काफी 8-9 मिनट की उन्होंने जीरा की, उस तरह गायब नहीं हुए। उस वक्त जो है तो मुश्ताक साहब हिसाब साहब मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील मौजूद थे, उनके उनके सारे जूनियर वगैरह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सीनियर वकील, और फिर इसके बाद भी कोर्ट ने माना कि ठीक है फैसला थोड़ा सा जो है उसको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई आप क्योंकि ये आप दूसरी बात हमेशा ये समझ लीजिए कि जब एक फैसला किसी मामले में, एक फैसला एक ही मामले में हो जाता है तो फिर आप कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ दूसरा फैसला नहीं दे सकती। ये हो गया, वहां से वो पिटीशन उनकी खारिज हुई। ये अब पिटीशन ये बिल्कुल वजह है कि उस्मानाबाद की पिटीशन, मसूद की पिटीशन का असरात मुश्ताक के ऊपर की पिटीशन पर हुआ और मुश्ताक की पिटीशन का असर जो है तो शाह उस्मानी की पिटीशन पर हुआ, ये बात है। लेकिन शाह उस्मानी का आपका एक बयान है कि अभी सिटी और डिस्ट्रिक्ट का किस मामले शायद से ऐसा, तो क्या वो किस हद तक सही बात है, क्या चीज है? हाँ, उसमें देखिए क्या हुआ था, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है वो, एक्चुअली बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जब उपाध्याय जज आए थे, तो उपाध्याय साहब के जमाने में मतलब उनकी हियरिंग के वक्त में ये बात हुई कि भाई सॉलिसिटर जनरल सराफ ने कहा कि हम लोगों ने औरमाद का नाम, सिटी का नाम बदल दिया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम हमने बदलना नहीं है, उसके लिए हमने ऑब्जेक्शन मंगाया, कॉल किया है, सारे नोटिफिकेशन अलग से निकला है, उसको ऑब्जेक्शन लेने के बाद हम उसको सेटिसाइड करेंगे। तो उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या किया कि भाई वो उसको वो अलग कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट पिटीशन अभी जो उस पर चलना ही नहीं है, तो उन्हें सिटी को लिया उन्होंने और सिटी पे डिस्कशन हुआ। सिटी पे डिस्कशन होने के बाद और फिर उसके बाद वो जब मैटर आएगा, जब गवर्नमेंट का वकील कहेगा कि हमने सारा सेटिसाइड कर दिया और जिस हमने सुन लिए नोटिफिकेशन का सारा मामला हो गया, तो उसके बाद तय करेंगे। तो ये था, तो मतलब क्या हुआ ये कि सिटी की पिटीशन को उपाध्याय साहब ने अलग कर दिए और डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिए, तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो सिटी की पिटीशन बोलकर अलग चलाई जा रही होगी और डिस्ट्रिक्ट की पिटीशन को अलग बोलकर चलाई जा रही हो रही तो हो सकता है। अच्छा, रिव्यू पिटीशन का क्या मामला हो सकता है? देखिए रिव्यू पिटीशन भी कानूनी एक इस तरह है, रिव्यू पिटीशन ये होती है कि जब आपको फैसला पसंद नहीं आता है तब उसको रिव्यू करवा सकते हैं, वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की जो है हमारे संविधान की या दस्तूर की दफा 137 के तहत आप कर सकते हैं। उसमें होता है सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है तो ये चेंबर प्रैक्टिस होती है, मतलब इसमें कोई मतलब कि कोर्ट हॉल में मामला नहीं होता, वहां हियरिंग में कोई जीरा वगैरह नहीं होती है, वकील नहीं होते हैं। और ये खास बात है कि रिव्यू पिटीशन उसी जज के पास जाती है जिसके खिलाफ अपने जिसका फैसला आपको पसंद नहीं है, तो सेम जज रहते हैं। अब वो इसमें होता ही है कि जब जज ने फैसला दिया है तो उसको सबको तो पता ही है सारा कुछ, उसने फैसला दे चुका है, तो ऐसा हजारों पिटीशन में एकाध को ऐसा मैटर होता है कि जो निचली कोर्ट में वो जैसे कोई मर्डर का के मामला हो, बहुत खतरनाक हीनियस क्राइम हो और उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं पहुंच सकते थे, दे सके थे, हाई कोर्ट को नहीं दे सके थे, तो सर रिव्यू पिटीशन में दाखिल कर दे सकते भाई हमारा ये मामला है उसमें हमको कंसिडर किया जाए। तो ऐसा हजारों में एकाद केस को खिलाफ में फेवर में फैसला होने के होता है, हजारों में मतलब ऐसा जिसको परसेंटेज नहीं निकलता इसका, हजारों में अगर एक केस है तो परसेंटेज कहां से निकलेगा। तो ऐसा रिव्यू पिटीशन में आपके वकील आपके जिरा नहीं कर पाते, कोर्ट हॉल में नहीं होता है, चैम्बर के अंदर जजेस की चैम्बर में जजेस पढ़ते हैं और अपने हिसाब से उनको जो लगता है फैसला करते हैं। तो रिव्यू पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन की दस्तूर की 137 दफा के तहत आता है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इम्कान नहीं। अच्छा, आप ये सारे मामले को देखते हुए आखिरी जो है तो आपकी क्या भूमिका इसमें या आपकी जो कमेटी है इसकी क्या भूमिका होने वाली है आने वाले दिनों में, क्या देखने को मिलेगा? तो औरंगाबाद जो प्रेमी है क्या उन्होंने उम्मीद छोड़ देना या अभी भी जिंदा है कुछ उम्मीद की किरण?
देखिए, मैं तो जैसा मैंने कहा कि पहले दरवाजे बंद करते करते सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं, और इससे पहले मैंने कहा कि सारा स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है ये। लेकिन बहरहाल जो है, उम्मीदी कुरान कहता है कि मायूसी कुफ्र है, और अल्लाह से लौ लगाओ और उससे जो है नेक अच्छे गुमान रखो, खुश गुमान रहने का कहा गया है। तो अभी हमारे पास दो रास्ते बचते हैं इसके बावजूद, और मत तब्दीली नब खालिफ कमेटी के पास अभी भी के, बल्कि तीन रास्ते। अभी हमारे जो एडवोकेट सईद हैं, जिन्होंने कई पिटिशन फाइल की थी, उनको रोक के रखा था कि आप जो है मुश्ताक साहब और हिजाम साहब के बाद जो है अगर फैसला नहीं होता खिलाफ में, तो आप उसको मूव करें। तो वो शायद वो लोग भी ये सईद साहब खुद ख्याल इसमें पेशकदमी करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने की। अब यही बात, इसमें ग्राउंड ये हो सकता है कि जैसा कि जो पहले मामले हुए हैं मसूद के हो या मुश्ताक के हो, इन्होंने तो कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हो सके, ये मामला तो मेरिट पे नहीं गया है। तो उनसे यही एक लोग शायद दरख्वास्त करेंगे कि हमको सुना जाए, और वो बताएंगे कि किस तरह जो है ये मामले हुए, किस तरह इन्होंने इसको किया है, डिसमिस किन हालात में हुआ है, और उसके ऊपर वो अपने दलायल देंगे और देखेंगे कोर्ट उसमें क्या रवैया अख्तियार करती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब हमारी जो मेरी जो पिटीशन है और मद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें अब हम सोच रहे हैं कि सईद साहब के बाद शायद, क्योंकि हमारी पिटीशन तो हैंग हो चुकी है, तो हम फिर सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे भाई अब मामला तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो था कि बस वहां पे चल रहा है मामला, लिहाजा आप वहीं जाके सुनाओ, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा मामला वहां तो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहा। लेकिन चूंकि फला फला दफात है हमारे पास, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको इजाजत देता है कि हमारी बात हम अपने हाई कोर्ट को कहें, तो हम आपके पास फिर आए हैं। अब देखते हैं कोर्ट हमारी बात को सुनता है या नहीं सुनता है, सुना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो हमको वापस फिर उसके खिलाफ हमारे पास फैसला होगा, तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके मैम जो वकला से बातचीत चल रही है बारे में। इसके अलावा आर्टिकल 32, 132 के तहत भी जो है आपको मिलता है कि कोई भी आदमी किसी हिसाब मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है, उस पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग अभी कोई फैसले पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भी हमारी गुफ्तगू जारी है मजीद कई वकला से, बम्बई के वकला से, दिल्ली के वकला से, और हमारी कमेटी के भी। अभी हम कोई फैसले पे नहीं पहुंचे, लेकिन अभी इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसा हम उसको करेंगे। एक परसेंट चांस देखिए, बात तो कैसा है, मेरिट पे मामला नहीं हुआ, ठीक है। और एक बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये 1% का जहां तक जिक्र है, 1% नहीं, 100% है ये। इस वजह से है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कोई अख्तियार नहीं है नाम चेंज करने का, उन पर कोई कानून नहीं है। देखिए क्या होता है कि हुकूमत जो भी करती है तो उनको एक कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है, उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। जैसे उन्होंने अभी जो रूल इस्तेमाल किया है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 के तहत सेक्शन 4 के तहत उन्होंने किया। सेक्शन 4 शहरों के नाम बदलने के लिए नहीं है, शहरों में जिला तालुका लगाने के लिए जो कम ज्यादा उसके लिए है। दूसरी बात, 1953 की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ हक हासिल है कि वो नाम, मतलब कुछ केस वो बना सकती है, कानून बना सकती है, तो नाम को बदलने का भी उनके पास कोई कानून नहीं। तो गवर्नमेंट के पास तो कोई कानून ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती ये। लेकिन हमारे पास, और ये हो गया, आप 1996 में जब एक फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको रीजुडिकेटा कहते हैं, तो वो ये कहता है कि जब आपका एक एक मामले में फैसला हो चुका है, तो वही मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डबल ले जाया नहीं जा सकता, उस पे स्टे मिल चुका था, अब डबल लेके जाना रीजुडिकेटा के नाम से खानों ने बात था। इसके अलावा 96 में वो स्टे मिल चुका था। इसके अलावा 2000 में, 2002 में जो है तो एक में जो है तो विरासत अध्यक्ष ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया था।
इतना सारा मामला हुआ था, अब ये जो गवर्नमेंट ने लेकर आ रही, मतलब जो पहले खत्म हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, फिर से नए सिरे से शुरू किया जा रहा था। नहीं, बीच में आपको मार दूंगा, आपने पहले क्या क्या हुआ वो सबका जिक्र किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसके खिलाफ किसके फेवर में, उपाध्याय मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या, उसका कुछ मदद औरंगाबाद मामले में हो सकता है? जाहिर सी बात है, उपाध्याय के जो अश्विनी उपाध्याय के जो मामला था, उसने जो कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट कमीशन मामला या कोई सी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस राजरत्न के मैडम के इजलास पे फैसला हुआ था, जिसमें एक उपाध्याय नामी वकील ने एक सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, दरखास्त की थी कि हिंदुस्तान भर में जितने शहरों के नाम, गलियों के, मोहल्लों के, तालुकों के, गांवों के नाम जो मुसलमानों के नाम पर है, उनके नाम को चेंज करने के लिए कमीशन बनाया जाए और कमीशन बनाकर वो नाम चेंज किया जाए। तो सर ये दोनों मौजूद जज साहिबान ने उसको बहुत डांटा था, बहुत डटाड़ा था, तो ये फैसले तो है ना। और जिसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो नाम का मामला है वो अब पेंडिंग चल रहा है, अहमदाबाद के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला दे चुकी है, परमंडल और अहमदाबाद के नाम का मामला हो चुका है। हालात तो ये है कि अगर हम इसको नहीं लड़ते हैं, ये मुश्ताक और मसूद की वजह से, ये सिर्फ और दो शहरों का मामला नहीं है। अब देखिए अहमदाबाद, अहमदनगर का नाम है या दूसरे जो भी गाँव शहर है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजीर बना दी जाए, लड़ा ना जाए, तो कल कोई भी गवर्नमेंट बोलेंगे नाम बदल दो, ये सुप्रीम कोर्ट का कल उस पर फैसला है। इन्होंने नहीं लड़कर सिर्फ ना सिर्फ अपने शहरों के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों के लिए जहर बन चुके हैं लोग, और ये उसके लिए जो है इनको क्या सजा देनी चाहिए वो आवाम ने तय करना चाहिए उसको।